मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए कांग्रेस ने स्थिति को अपने कंट्रोल में आते ही रक्षात्मक रुख अपनाने की अपेक्षा आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस ने पहला शिकंजा संजय पाठक पर कसा है, क्योंकि संजय पाठक ही अपने धनबल का उपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी संजय पाठक अपने आप को मध्य प्रदेश का रेड्डी बंधु समझते हैं। सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए उनकी खदानों और रिसॉर्ट्स पर शिकंजा कसा। संजय पाठक और विश्वास सारंग के सुरक्षा गार्डों को हटाने की बात को लेकर आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में राजभवन में गवर्नर से मिला और शिकायत दर्ज कराई कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बल्लभ भवन के सूत्रों के अनुसार सरकार ने भी मन बना लिया है कि अब जितने भी भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हुए थे और उनमें लिप्त मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के ऊपर कमलनाथ सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की सुगबुगाहट पूर्व मंत्रियों को लगते ही वे विचलित हो उठे हैं। तख्ता पलट की रणनीति नाकाम होते ही अब राजभवन ही उनकी आशा का एकमात्र स्थान बचा है। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।